मित्रों, आज आंध्र प्रदेश आने वाले चुनाव में 5 साल तक ये प्रदेश में किस पार्टी की सरकार होगी, किस व्यक्ति की सरकार होगी और देश में किस पार्टी की और किस व्यक्ति की सरकार होगी, ये निर्णय करने जा रहा है। पिछले कुछ समय से आंध्र के मुख्यमंत्री जी ने, चंद्रबाबू नायडू ने आंध्र की जनता को गुमराह करने का एक सघन प्रयास चालू किया। पहले मैं आंध्र की जनता को, उनके राजनीतिक करियर के बारे में, अपने कार्यकर्ताओं को उनके राजनीतिक करियर के बारे में कुछ बताना चाहता हूं। अभी अभी हमारे प्रदेश अध्यक्ष कन्हा लक्ष्मीनारायण जी ने उनको यू टर्न मुख्यमंत्री कहा और मैं मानता हूं उन्होंने उचित ही चंद्रबाबू नायडू को यू टर्न मुख्यमंत्री कहा है। चंद्रबाबू नायडू को करीबी से जानते हैं, मगर फिर भी मैं मानता हूं कि याद दिलाने का मेरा दायित्व है। चंद्रबाबू नायडू जी ने अपनी कैरियर की शुरुआत कांग्रेस के विधायक कर की थी। उसके बाद में महान एनटीआर के साथ जुड़े और उनकी पार्टी टीडीपी में शामिल हुए और सत्ता का सुख भोगा और जब मौका मिला उनको आगे बढ़ाने वाले एनटीआर को धोखा देकर उनकी पूरी पार्टी को हड़प करने का काम यही चंद्रबाबू नायडू ने किया। जैसे ही केंद्र में अटल जी की सरकार बनी वो एनडीए में आ गए और 6 साल तक सत्ता का सुख भोगने का काम ये चंद्रबाबू नायडू ने करा। 2004 में जैसे ही एनडीए की सरकार गई, 2005 में उन्होंने एनडीए का साथ छोड़कर अटल जी के खिलाफ जाने का काम, और जैसे ही दर दर भटकने के बाद, 10 साल दर दर भटकने के बाद उनको लगा कि सत्ता पर मोदी जी के सहारे के बगैर नहीं आ सकते, फिर से एनडीए का दामन थामकर श्री नरेंद्र मोदी का विरोध करने वाले चंद्रबाबू मोदी जी की शरण में चले गए और अब नरेंद्र मोदी जी पर इल्जाम लगाकर एनडीए छोड़कर जो कांग्रेस पार्टी ने तेलुगु देश का अपमान किया था, जिनके खिलाफ एनटी रामाराव जी ने तेलुगु देशम पार्टी खड़ी की थी, तेलुगु प्राइड का झंडा बुलंद किया था, वो कांग्रेस पार्टी जिसने आंध्र प्रदेश को अन्याय किया उसकी गोदी में जाकर बैठने का काम ये तेलंगाना के चुनाव में चंद्रबाबू नायडू ने किया। और तेलंगाना में जब उनका सुपड़ा साफ हो गया, फिर से एक बार कांग्रेस पार्टी छोड़कर महागठबंधन की शरण में जाने का काम कर रहे हैं। और मुझे मालूम है जैसे ही 19 का काउंटिंग समाप्त होगा एनडीए की सरकार बनेगी, मोदी जी प्रधानमंत्री बनेंगे, वो वापिस एनडीए में आने का प्रयास करने वाले हैं। मगर मैं कार्यकर्ताओं और आंध्र की जनता को कहने वाला हूं, इस बार चंद्रबाबू नायडू के लिए एनडीए के दरवाजे हमेशा के लिए बंद कर दिए गए हैं, आपको वापिस आने की कोई जगह नहीं मिलने वाली। मित्रों, वो आंध्र के अन्याय की बात करते हैं, मैं इस मंच से चंद्रबाबू नायडू को चैलेंज देना चाहता हूं। आप इतने साल मुख्यमंत्री रहे, जिस कांग्रेस की गोद में बैठे इसकी 55 साल सरकार हुई चली है केंद्र की ओर से, एक बार 55 साल कांग्रेस पार्टी के और एक और भारतीय जनता पार्टी के 5 साल आंध्र प्रदेश को हमने कांग्रेस पार्टी के 55 साल से 10 गुना ज्यादा मदद करने का काम एक भारतीय जनता पार्टी की नरेंद्र मोदी सरकार ने किया।